अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी शेफ एहसन जी आज आपके लिए आम की खट्टी मीठी चटनी लेके आई हूँ। ये बहुत मज़े की होती है और बहुत जो है गर्मियों का, क्योंकि आपको पता है मौसम है और आम जो है इस गर्मी की सौगात है, तो हम इसको इसी से बना रहे हैं और बहुत मज़े की है। तो चलते हैं, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ। मेरे पास 2 किलो कैरियाँ हैं और कच्चे आम यानी, और हम इससे बना रहे हैं। इसमें हम 1 किलो शुगर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम चीनी बढ़ाएंगे, शुगर का इजाफा करेंगे, अदरवाइज ये इतनी चीनी इनफ है। क्योंकि कभी कभी हमारे आम जो हैं बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं तो हमको चीनी बढ़ानी पड़ती है, इसलिए मैंने कहा आपको पहले ही बता दूँ। तो हम चलते हैं अब अपनी कुकिंग की तरफ। जी नाजिन, हम चटनी बना रहे हैं। मैंने इस तमाम कैरियों को कद्दूकश कर लिया है और मैंने ये ऊपर इसलिए रखी हैं, देखें गुठलियाँ हैं, मैंने ये मशीन से कद्दूकश की है। तो पहले नेचुरली मैंने इसको जो है इसको उसमें से अलग किया गुठली से, और फिर मैंने इसको मशीन में कद्दूकश किया जो हमारा फूड प्रोसेसर होता है उसमें। तो इसलिए, और ये इसमें डलती हैं, इसमें जो लगावा रह जाता है वो सब पक जाए और बाद में जो है ये अच्छा फ्लेवर भी देती हैं। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले हम इसमें पानी डालेंगे, इतना होना चाहिए कि ये अच्छी तरह भीग जाए सारी कैरियाँ, ये आप देखें। और फिर हम इसमें शुगर डाल देंगे, अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया हुआ। इसके अलावा ये रेसिपी आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी, मैंने ख़ुद भी बहुत सर्च की है, मेरी फैमिली रेसिपी है। ये देखिए, ये 30 लहसुन की कलियां हैं, ये चली गई, और ये मेरी मदर बनाया करती थी। ये तकरीबन 15 साबुत लाल मिर्च है, नमक और मिर्च का ये है शुगर, इन तीनों का आप बाद में बढ़ा सकते हैं जब आपका कि चीनी घुल जाए और ज़रा गाढ़ा सा होने लगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ी सी खट्टी और थोड़ी सी मीठी होती है, बैलेंस होती है बेसिकली। इसके अलावा जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है इसमें कलौंजी यानी ओनियन सीड्स जो कहलाते हैं, ये मैं 2 टीस्पून मैंने डाले हैं। अब मैं चूल्हा ऑन करूंगी, अब इसे हम पकने के लिए छोड़ रहे हैं, मीडियम टू लो आंच है और इसको हमने ढक दिया। ये देखिए नाजिन, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, आप ये देख सकते हैं खूब अच्छी तरह पक गई है और सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब आखिरी चीज़ जो हमारी इसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकती है वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड चीज़ों को प्रिजर्व करने के काम आती है। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड, बेसिकली टार्टरी को कहते हैं जो हमारे यहाँ आम तौर पे इस्तेमाल होती है टार्टरी, वो है, तो वह ये हम 1/4 स्पून इसमें देख सकते हैं आप, ये मैं शामिल कर रही हूँ। गरम गरम है, चूल्हा बंद है, तो ये खुद ही इसमें डिसॉल्व होके मिक्स हो जाएगी। अगर आपके पास टार्टरी अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसकी जगह सिरका 1 टेबल स्पून सिरका भी डाल सकते हैं। और ये ठंडा हो जाए, ठंडा करने के बाद आप इसे बॉटल्स में फिल करके और आप बाहर भी रख सकते हैं बहुत आराम से, और चाहें तो आप फ्रिज में रख दें और ये आराम से आपके बाहर जो हैं वो 2-3 महीने आप रख सकते हैं, और फ्रिज में है तो वो तो और ज़्यादा आप टाइम रख सकते हैं। तो ये हमारी आम की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में,
और अगर आपको नहीं पसंद आए तो भी आप डिसलाइक का बटन दबा सकते हैं और आई थिंक कि ये चीज़ ऐसी है जो बहुत, अगर आपके घर में बनी हुई है तो आप किसी भी चीज़ के साथ, दाल सब्ज़ी के साथ खा के उसका मज़ा दोबाला कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।